बार बार विवादित बयानों वाले बड़बोले वीके सिंह की राजनाथ को चेतावनी, बयान देते वक्त बरतें एहतियात, किरण रिजिजू को भी की ताकीद, संभल कर दे बयान। गोहाना में दलित नाबालिग की हिरासत में मौत को मुख्यमंत्री खट्टर ने किया खारिज, बताया खुदकुशी, लेकिन नाराज परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार, सड़क पर रखा शव। नीतीश के मंत्री ने बीजेपी में शामिल होने पर घमासान, सैनिकों पर विवादित बयान के लिए हुए थे चर्चे, चुनाव प्रचार में मोदी ने बताया था निर्लज। दादरी कांड को लेकर पीएम खिलाफ लेखकों का साहित्य अकादमी के बाहर प्रदर्शन, विरोध में सड़कों पर उतरे संघ समर्थित लेखक, सम्मान वापस को बताया मोदी के खिलाफ साजिश। कूड़े के ढेर से दिल्ली को बचाने के लिए चौकस हुई केजरी सरकार, मनीष सिसोदिया करेंगे तीनों मेयरों से मुलाकात, वक्त पर वेतन समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने की है हड़ताल। एमफिल और पीएचडी में फेलोशिप खत्म करने को लेकर छात्रों में उबाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का यूजीसी के बाहर प्रदर्शन, प्रोफेसर भर्ती में नेट परीक्षा खत्म करने का भी कर रहे हैं विरोध। और दाल की बढ़ती कीमतों को काबू करने को लेकर सरकार का नया ऐलान, दुकानदारों को रोजाना 135 दर से 1,00,000 किलो दाल की करेगी सप्लाई। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास आपके लिए लेकर आए हैं, और ये खास इसलिए है क्योंकि बात हम करेंगे दिशाओं के बारे में। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं दिशाओं के बारे में, लेकिन ये दिशाएं अपने आप में बहुत ही रहस्यमय ताकत रखती है, और ताकत इसलिए रखती है क्योंकि इन ग्रहों के साथ इनका संबंध होता है। ये दिशाएं ग्रहों से कनेक्ट होती है और फिर ये ग्रह और अलग अलग राशियां मिलकर आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये प्रभाव अच्छे होंगे बुरे होंगे, किन कौन से राशि के जातक ज्यादा खास दिशा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, आज हम ये जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, जिससे ये जानकारी पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, ये जो दिशा है, ग्रह है, यानी कि हम कहेंगे ग्रह और दिशा, कैसे आपस में कनेक्शन है इनका? हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस चार दिशा में हमारे जो ग्रह हैं उसके अधिष्ठात्रा होते हैं, यानी पूर्व दिशा का अधिष्ठात्रा कौन सा ग्रह है, दक्षिण दिशा का कौन सा है, ऐसे ही तमाम चारों दिशाओं के चार 9 ग्रह आते हैं, और उस दिशा में कौन सा ग्रह किस दिशा में विराजमान है, वहां पर हमें हानि कर रहा है या लाभ कर रहा है, ये आगे हम इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस ग्रह के प्रभाव से कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह आपको लाभ कर रहा है या हानि कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि कौन सा जो दिशा है उसके साथ कौन सा ग्रह कनेक्ट है और वो आपके जीवन में क्या कुछ कर रहा है हम बताएंगे बिल्कुल। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है दिव्य स्तुति की। ये दिव्य स्तुति जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप तक ला सकती है, आपको धनवान बना सकती है। आइए बिल्कुल तैयार हो जाइए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ आपको श्रवण करनी है आज की दिव्य स्तुति। यासे स्वयं सुकृतनं भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनस्प्रभवात्सलज्जां
तान त्वाम नतात्म परिपा लय देवी विश्वाम। माँ भगवती आपके और आपके परिवार का लक्ष्मी जी सदा कल्याण करें, आपके घर में लक्ष्मी रूपी खजाने भरते रहें, यही शुभकामना। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे पूर्व दिशा से जुड़ी हुई जानकारी, एक रहस्यमय जानकारी जो कहीं ना कहीं आपके लिए खुशियां ला सकती है, लेकिन सावधानियां भी बरतनी जरूरी होती है पूर्व दिशा को लेकर। अभी फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अमित है, स्वागत है आपका अमित जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून अमित। पंडित जी प्रणाम। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना था, मेरा जन्म कुंडली का नाम नितिन है। जी जी जी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1991। जी। और समय 2:15 PM। जी जी। प्लेस अलवर राजस्थान। सवाल पूछिए आप। पंडित जी मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मुझे किस फील्ड में ट्राई करना चाहिए और कहाँ मिलेगी मुझे जॉब, कब तक मिलेगी? मंगलवार का दिन पड़ेगा आपका, आपका चंद्रमा और बुध दोनों ही अस्त होकर के बैठे हैं, चूंकि सिंह लगन वृश्चिक राशि बन रही है और बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा, तो अभी तो हवा में महल बन रहे हैं, यानी बहुत बड़े बड़े हम सपने देख रहे हैं मगर साकार होने के चांस बहुत कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आप 5 बुधवार थोड़ी सी दूरबा यानी घास पार्क से लेकर के नहा धोकर के गणेश जी के चरणों में रखें और माता पिता का आशीर्वाद लें। यदि दो चीजें करते तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी और करियर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, और यदि दोनों चीजें आप नहीं करेंगे तो कहते हैं कि मंजिल वही प्राप्त करता है जो मार्ग पर चलता है, किसी के कहने या सुनने से मंजिल नसीब नहीं होती। तो जो उपाय बताए जाते हैं इनको आप करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। अब पूर्व दिशा जो कि बहुत ही खास दिशा मानी जाती है, पूर्व दिशा जहां से हम जिसे पूरब भी कहते हैं और वहां से सूर्य निकलता है, अब इस दिशा के साथ आपके जीवन का क्या कनेक्शन हो सकता है, इस दिशा का ग्रह कौन सा हो सकता है, यहां से क्या प्रभाव आ सकता है और कौन सी राशि के जातकों को इस दिशा से ज्यादा फायदा मिल सकता है, आइए जानते हैं तमाम जानकारी आचार्य जी से। जी हाँ, पूर्व दिशा का जो रहस्य, इस दिशा का जो अधिष्ठात्रा यानी स्वामी वो सूर्य ग्रह होता है, बृहस्पति भी इसका संबंध कहीं ना कहीं रखता है। कहते सूर्य और बृहस्पति प्रधान जातक इस दिशा से उन्नति प्राप्त करता है। सिंह धनु मीन राशियां इसकी स्वामिनी राशियां मानी जाती हैं और सिंह और धनु सभी वाले जातक की शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में इस दिशा का चुनाव करें। यदि हम व्यापार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं सिंह और धनु राशि वाले, तो इस क्षेत्र में व्यापार करते हैं तो उनको अधिक लाभ होता है। जी हाँ, बस कुछ देर में आपको बताएंगे पश्चिम दिशा के बारे में भी, ये पश्चिम दिशा आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है या फिर अगर कुछ सावधानियां बरतनी है तो फिर क्या होंगी, वो सावधानियां बताएंगे पश्चिम से जुड़ी हुई जानकारी भी। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे खास कॉलर से बात करने का, यानी कि लकी कॉलर, आइए लगाते हैं सबसे पहले लकी कॉलर का नंबर। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं हरगोविंद त्यागी बोल रहा हूँ। हरगोविंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं? आगरा से बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं कई मतलब कई महीनों से ट्राई कर रहा था, अभी तक मेरा पहली बार मिला है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं एक्चुअली अपने खुद के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 अगस्त 1970 आगरा 145। समय बताइए। 28 अगस्त 1970। जी समय बताइए। आगरा 1:43 दिन में रात 41। ये आप पीएम बता रहे हैं एएम बता रहे हैं? रात के 1:43 एएम 1:45 एएम और आगरा का जन्म है। शुक्रवार का दिन पड़ेगा आपका। सवाल पूछे आप। सिंह मिथुन लगन है मिथुन राशि। जी सवाल बताएं। आचार्य जी ये एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि मतलब ये 2015 का जो साल है ये बहुत ही मतलब खराब लग गया है। बहुत फर्स्ट से जनवरी फर्स्ट से मेरे मतलब मैं सीरियस बीमारी से हूँ।
और मैं जॉबलेस भी हूँ। देखिए गाड़ी देखता हूँ, मेरा कुछ दिक्कत नहीं पा रहा है। यहाँ पर कहूंगा कि शनि शुक्र दोनों अस्त होकर के बैठे थे, स्वास्थ्य और आय दोनों में ही 15 आपके लिए हानिकारक रहा, यानी घातक रहा। यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखें आपकी मिथुन लगन, मिथुन राशि है और केतु में शुक्र चल रहा, अभी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखें, कुष्ठ रोगियों को कुछ ना कुछ दान करें, कुछ खिलाएं और शनि के लिए एक कटोरी ले लें और उसमें सरसों का तेल भर के अपना फेस देख के अपने सिर से 7 बार उतार करके और जो शनि का दान लेते हैं उस अभ्यागत को दें। यदि ये 2 उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य और व्यापार यानी कार्य क्षेत्र लाभ दोनों ही मंगलमय और लाभकारी हो जाएगा। तो लाभ अगर आपको अपने जीवन में भी चाहिए तो पश्चिम दिशा के बारे में भी जान लीजिए। जी हाँ, कुछ खास राशियां होती हैं जो कि पश्चिम दिशा से जुड़ी होती हैं, लेकिन ग्रह स्वामी कौन है इस दिशा के, आइए जान लेते हैं ये जानकारी आचार्य जी से। जी हाँ, मकर और कुंभ राशि इस दिशा की कारक मानी जाती है, यानी पश्चिम दिशा की, और इसके अधिष्ठात्री यानी स्वामी शनिदेव महाराज हैं। और इस क्षेत्र में यदि आप लोहे या पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी व्यापार करने के लिए ये दिशा चूज करते हैं तो ये दिशा उत्तम मानी जाती है। कुंडली में यदि शनि मजबूत होने पर भी ये दिशा बेहद सफलता देती है। यदि कुंडली में शनि हमारा अच्छा फल नहीं दे रहा है और इस दिशा में हमारा कार्य क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि इसमें भी हमको लाभ मिल जाता है, परंतु ये बहुत गहराई वाली चीजें होती और कुंडली का प्रॉपर आकलन करके यदि आप कार्य करते हैं तो ये कहते हैं कि जीवन की दिन और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। खासतौर से ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये जानकारी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, ये दिशाएं जिनके बारे में जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी था इसलिए हमने ये विषय चुना और आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक, हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम है 12 सिंह हैं। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है कोई तो बताए, जय विलास के झूमर संग तक हाथी लट के सोच के सर चकराए। MP ही अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं छूता आसमान है और साची दे का फरमान है। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल बीएच प्लस हेयर कलर। कैसे पता ये पानी प्योर है? कम कहां? प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. Lo.
ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, ये खास जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। दिशाएं किस तरह से ग्रहों के साथ जुड़ी होती हैं और फिर इनके प्रभाव का संबंध अलग अलग राशियों के जातकों पर कैसे पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अपने घर में रहते हुए दिशाओं को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि किस तरफ कौन सी दिशा है, खासतौर से हमारी जो महिलाएं हैं अगर वो नहीं आंकलन कर पाती हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ है, तो एक महा उपाय भी हम आपको बताएंगे जो तमाम तरीके की दिशाओं को शुभता में बदल देगा अगर वहां से बुरा प्रभाव आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल जान लेते हैं उत्तर दिशा के बारे में। अब यहां क्या रहस्य छुपा है, आइए जानते हैं। उत्तर दिशा मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला राशियां ये इस दिशा की यानी उत्तर दिशा की कारक होती है। उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह बुध और शुक्र होते। बुध यानी सम्मान को दिलासा दिलाता है और शुक्र हमारे सौंदर्यता को निखारता है। शिक्षा और व्यापार के लिए इन राशियों के लोग इस दिशा का चयन करें कि यदि शिक्षा का क्षेत्र है, उनका व्यापार है, तो यदि इस दिशा में करेंगे तो उनको लाभ अधिक रहेगा। और कुबेर की दिशा भी उत्तर दिशा मानी जाती है, यानी हम और जगह पैसा कम बचा पाएंगे, शायद इस दिशा में कार्य क्षेत्र रहेगा तो हमारा पैसा अधिक बचेगा, यानी व्यय कम से कम होगा। तो ये जानकारियां प्रॉपर आप लोग लेकर के और इसको अगर करते हैं जीवन में अपने उतारते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ज्योतिष भाग्य तो नहीं बनाता, परंतु ज्योतिष एक ऐसा रास्ता दिखा देता है कि जीवन में वहां से आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पीछे मुड़ने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथ में जरूर रखिएगा वो सीक्रेट नंबर भी जो अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा वरना आपका भाग्य बट जाएगा। बट जाएगा, बिल्कुल बट जाएगा। तो नोट कर लीजिए अपना मूलांक अनुसार सीक्रेट नंबर। जी हाँ, आज बात करेंगे मूल्यांक 1 नंबर वालों के लिए तो 3 नंबर, 2 के लिए 13, 3 के लिए 17 और 4 के लिए 18, 5 के लिए 25 और 6 के लिए 71 और 7 के लिए 44 नंबर, 8 के लिए होगा 31 नंबर और 9 के लिए होगा 29 यानी 29 नंबर। इस नंबर को किसी पेन से पेपर पर लिख करके पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष, नदी या तालाब बावड़ी में भी डाल सकते, परंतु उसको गुप्त रखें, किसी को शेयर ना। जी हाँ, किसी के साथ शेयर नहीं करना है अपना सीक्रेट नंबर, ना कोई लिखते देखे ना कोई रखते देखे, और जब आप इसको कहीं पर छोड़ने जाएंगे तब उस दौरान भी इस नंबर को नहीं देखना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक गुड़गांव से कॉलर है हमारे साथ, सुशीला। स्वागत है आपका सुशीला जी। नमस्ते सायरा जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। मैं अपने बच्चों की कुंडली से उनके पापा के लिए भी पूछ सकती हूँ क्या? बच्चों की कुंडली से अपने पति के बारे जी? नहीं, इसमें समय काफी लगता है तो इसमें नहीं। अच्छा, बताया तो मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3/8/1999 जी। सुबह के 6:25 झज्जर। सवाल पूछिए जी। वो 11th क्लास में कॉमर्स मिलवा रखी है, क्या उसके लिए सही है और उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? और कोई कुंडली में दोष है तो उसकी मैं बता दीजिए, मांगलिक तो नहीं है? मांगलिक तो नहीं। यहाँ पर कहूंगा कि आपका बालक पूर्ण रूप से मांगलिक है, और दोष में कहें तो लगन में ही सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, जिसके कारण विद्या, विवाह, कैरियर तीनों क्षेत्र प्रभावहीन आ रहा है। कर्क लगन बन रही है और मीन राशि बन रही है। इस बच्चे को देखें
तो शुक्र की महादशा में शुक्र का सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं और बुधवार के दिन हरी मूंग किसी ब्राह्मण को दान करें तो गवर्नमेंट जॉब इसकी लग जाएगी। और जो क्षेत्र है ये कॉमर्स लिया है तो ये बहुत अच्छा विषय है, इसके लिए ये लाभकारी रहेगा। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं दिशाओं के बुरे प्रभाव को खत्म करने वाला महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे चौथी दिशा यानी कि दक्षिण दिशा। आप दक्षिण दिशा से जुड़ी हुई क्या जानकारियां हैं आइए जानते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें दक्षिण दिशा के रहस्य की तो मेष और वृष राशि इस दिशा की कारक मानी जाती है। मंगल ग्रह इसका स्वामी है यानी भूमि का पुत्र है। वृष राशि वालों के लिए ये बहुत शुभदायी होती है और ये दिशा महाक्रोधी दिशा भी कही जाती है। इस दिशा की ओर मुख करके बातचीत करने से परहेज करना चाहिए यदि इस दिशा करके आप करते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा जब कहते हैं कि यात्रा निकाली जाती है तो अंतिम यात्रा दक्षिण की ओर मुख करके ही निकाली जाती। तो नॉर्मली हम किसी काम क्षेत्र के लिए बातचीत कर रहे हैं तो यह जरूर ध्यान दें कि हम कहीं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तो कोई कार्य नई शुरुआत तो नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और जीवन भर का आराम आपको मिल जाता है। चलिए बात करेंगे पाली से, हमारे साथ जुड़े हैं अशोक, स्वागत है आपका। अशोक जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो जी अशोक जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए और उसके बाद बात कीजिए। हाँ जी बंद कर दिया। मैं अपने बारे में पूछना था, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी 15/8/1971 71 जी जी सुबह के 2:30 बजे जी 15/8/71 जी सुबह के 2:30 बजे और जन्म का स्थान जेतारम जी जी। क्या जानना चाह रहे हैं, रविवार का दिन पड़ेगा? हाँ जी रविवार का दिन है। मैं अपने बाहर विदेश के लिए पूछता था उसमें। यहाँ पर कहूंगा कि कुंडली देखें तो वृषभ राशि बन रही, मिथुन लगन बन रही और गुरु में राहु। आप ऑलरेडी विदेश जा चुके हैं और पुनः जाने के आपके चांस बन रहे हैं, परंतु पुरुष बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। मंगल आपका वक्री अंगारक दोष बना करके बैठा है, उसका निवारण कराना होगा और साथ में 1,25,000 महामृत करिए, चूंकि सत्य हावी हो रहे सोच कर कुछ भी नहीं पा रहे, और यदि दो ये उपाय कर लेंगे तो जीवन की दिन और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। और चलिए आप जान लेते हैं आचार्य जी से वो महा उपाय भी जो कहीं ना कहीं आपके घर की जो सारी दिशाएं हैं उसको शुभ बना देगा। क्या है ये महा उपाय आइए जानते हैं। ये जो महा उपाय होता है बहुत सिंपल सा होता है, कहीं आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है। यानी पंचगव्य, पंचगव्य कहते हैं गोबर, गौमूत्र, दही, दूध और घी, इसको अनामिका उंगली, इसको जिसको ये अनामिका उंगली कहते हैं, ये है अनामिका उंगली। इससे दक्षिणावर्त 108 बार चलाएं ऐसे करके, और आम के पत्ते से सुबह और शाम छिड़काव कर देना है। पंचगव्य को चारों दिशाओं की तरफ आपको करना है और कहते कि हर दिशा का शुभ वातावरण आपके जीवन में पड़ने लग जाएगा। यानी आपके व्यापार में जो दिशा की हानि हो रही है, आपके घर परिवार में जो हानि हो रही, इस सब में मंगल में बदल जाएगा। परंतु कहा गया प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, हमारे कहने से कुछ नहीं, जो होगा सब आपके करने से होगा, आप करिए और प्रत्यक्ष देख सकते। परंतु आप अपना फीडबैक, हम अपने उन दर्शकों को कहूंगा कि फीडबैक अवश्य दिया करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता कि शायद हम जिस दिशा में चल रहे, इतना सारा जो कार्य आप लोगों के लिए कर रहे तो हम एक सही दिशा में जा रहे। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को कहूंगा कि फीडबैक अवश्य दें और उसका एकमात्र जरिया है call2pm@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए कॉलर है दिल्ली से हमारे साथ सुनीता, उनसे बात करेंगे। सुनीता जी स्वागत है आपका। पंडित जी राधे राधे। जय माँ भगवती। हाँ पंडित जी, वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ हाँ पूछिए, जन्म तारीख बताएं। 27/11 1999 जी। टाइम समय 26 की रात है पंडित जी, 12:27। हाँ पंडित जी, मुझे बेटे के बारे में ये पूछना है कि उसकी मतलब हाइट तो काफी लंबी हो गई लेकिन उसकी सेहत सही नहीं रहती, हर क्षेत्र में पीछे होता जा रहा है, उसकी वजह क्या है, कौन सा ग्रह उसको पीछे कर रहा है, पढ़ाई में उसने साइंस लिए क्या उसके लिए ठीक है, दोनों चीजें बताइए जी।
यहाँ पर कहूंगा कि देखिए शुक्र और शनि दोनों ही नीच के होकर के बैठे हुए, सिंह लगन मिथुन राशि है और शनि की दशा चल रही गुरु जब भाग्येश में बकरी हो गया है तो इसका शिक्षा कैरियर सब क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, संगत गलत भी हो सकती है। तो आप गुरु ग्रह के लिए एक सभा छह रत्ती का पोखरा जिसको धारण कराएं और शनि ग्रह का जाप कराएं, ये दो छोटे से उपाय करिए, बच्चे के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आचार्य जी इतनी खास जानकारी आपने दिशाओं से जुड़ी हुई दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोपहर का कार्यक्रम बहुत ही खास, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा समस्या चल रही वो यही चल रही है कि करियर के चलते अब शादी जो है उसको हम थोड़ा डिले कर देते हैं, जीवन साथी का चुनाव करने के अंदर थोड़ी सी कोताही बरत लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी चल रहा है, करियर आपके पर्सनल जीवन पर हावी हो रहा है, इन सभी तमाम बातों पर बहुत ही खास जानकारी कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2 बजे के कार्यक्रम की। अभी देखिए आप झलक, फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है और जनता कितनी खुश है कितनी नाराज है इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। जनता त्राई त्राई कर रही है, जनता मुक्ति चाहती है, यहाँ राम राज बन चुका है। लोकल में हम लोग बहुत विकास चाहते हैं लेकिन विकास अवरुद्ध है। नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से रंगदारी अपराध बिहार में कम हुआ है। अगर ईमानदारी का काम करते तो लालू यादव के गोद में बैठने का काम नहीं करते, ये दुनिया जानती है। आ गए जी आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। नाइस पिक ना? क्या नाइस? हा? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर एफपी पे डाल। ओके कितने लाइक्स आए? 100, 200। कब शॉप करती कार, ऑल्ट 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबू जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। Come on. पर टीवी देखे वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। मैं प्राचीन आयुर्वेद
संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर